नमामि ईशुमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश्वासम भजेयम ओम नमः शिवाय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। चलिए देखते हैं ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स जिन्हें हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझको ट्रायंगल्स समझ में नहीं आते, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो कि आपके लिए डिटेल्ड वीडियो हो और जिसमें आपको करेक्ट और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती हो। तो इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रायंगल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा माइंड में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो देखिए, जो भी फिगर्स होते हैं, जो भी हमारे पास शेप्स होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है बेटा 2D और एक होती है 3D फिगर्स या शेप्स। तो ये एक 2D शेप है, यानी कि प्लेन फिगर है ये। तो ट्रायंगल जो होता है बेटा एक प्लेन फिगर होता है, पहली बात। दूसरी बात, बाउंड बाय थ्री साइड्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इट इज हैविंग थ्री साइड्स नो। तो द प्लेन फिगर बाउंड बाय थ्री साइड्स, जो कि एक ऐसा फिगर जो कि तीन साइड से बाउंड हो, क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। अब देखिए, ट्रायंगल्स जो होते हैं ये हम जान तो गए कि ये कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें हम तीन साइड से किसी शेप को बाउंड कर देंगे। इसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, ABC। चलिए देखिए, इस जो ट्रायंगल है बेटा, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो पहले तो आप ये जानो कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो अ ट्रायंगल हैज, पहला देखिए, थ्री साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं? थ्री, नेमली ABC and CA, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके पास होती है थ्री वर्टिसेस, जैसे A, B and C, और तीसरे होते हैं थ्री एंगल्स। कौन कौन? वो भी होंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखिए, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स हम कैटेगराइज करते हैं ट्रायंगल्स को। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि बेस्ड ऑन साइड्स से हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ड ऑन एंगल्स हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। देखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो बेटा जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्केलिन ट्रायंगल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेस्ड ऑन साइड्स। देखिए सबसे पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में नॉन इक्वल होती हैं या डिफरेंट होती हैं। तो ऑल साइड्स मीजर्स डिफरेंटली, सबका जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो वो कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल। जैसे मान लो साइड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हालांकि ये नहीं हो सकता, मैं इसको मान लो 2, 5 और 4 मान लेता हूं, ठीक है। तो
ये एक ट्राइंगल की साइड से, तो तीनों ही डिफरेंट हैं, इस तरीके से स्केलीन हो गया। दूसरा होता है आइसोसेलस, आइसोसेलस में क्या होता है कि इसकी कोई दो साइड्स बराबर होंगी, एनी टू साइड्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनकी दो साइड्स बराबर है। बेटा तीसरा जो होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये क्या होंगे? देखिए यहां पर कोई साइड बराबर नहीं थी, यहां पर दो साइड बराबर हुई, तो यहां पर क्या होगा? तीनों ही बराबर होंगी। तो हियर यू विल राइट ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीन साइड्स हैं, तीनों ही बराबर हैं, यहाँ पर तीन हैं, तीनों बराबर हैं, यहाँ पर सॉरी दो बराबर हैं, यहाँ पर तीनों ही डिफरेंट हैं। तो हमको तीन तरीके के ट्राइंगल मिल गए, स्केलीन, आइसोसेलस, इक्विलेटरल। हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तीन तरीके के हमारे पास ट्राइंगल होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। किस पर हमने बात की है? साइड्स पर। तो इसका मतलब बेस्ड ऑन एंगल पर भी होते होंगे, ऑब्वियसली होते हैं। तो फिर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। और इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा बीच में से, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। पहले देखिए, ये वो ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि जनरली आपके स्कूल में नहीं बताई जाती। पहला देखिए, जब हम एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्या? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से लेस हो या एक्यूट एंगल्स हो। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एंगल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको एंगल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनमें ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। लेकिन एक बात का यहां पर ध्यान रखना होता है, क्या? भले ही तीनों एंगल ट्राइंगल के एक्यूट हों, लेकिन उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ना कम ना ज्यादा, केवल और केवल 180 होना चाहिए। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं बेटा, वो आपके स्केलीन हो सकते हैं और वो आपके इक्विलेटरल हो सकते हैं। ठीक है, जो स्केलीन होते हैं आपके वो इक्विलेटरल हो सकते हैं और स्केलीन हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बट जनरली आपको स्केलीन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कैसे, मैं भी आगे बताता हूँ। दूसरा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, यहां पर बेटा क्या होगा? यहां पर आपको एक मिलेगा ऑब्टूस एंगल, एंड रेस्ट आर एक्यूट एंगल। ये जनरली आपको स्केलीन में मिलेगा, ये आपको स्केलीन में ही मिलता है। यहां पर इक्विलेटरल नहीं हो सकता, यहां पर आइसोसेलस नहीं हो सकता। तीसरा देखिएगा,
इन्हीं दोनों के बीच में होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी बेटा एक 90 डिग्री होगा, देखिए राइट एंगल आपका इक्विलेटरल कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन राइट एंगल आपका आइसोसेलस हो सकता है और राइट एंगल आपका स्केलीन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन राइट एंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं होगा। चलिए मैं आपको यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोला जाता है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनके तीनों एंगल बराबर होते हैं और इक्विएंगुलर ट्रायंगल के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर, तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर, और ये दोनों एक ही ट्रायंगल के नाम हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट और मैं आपको थोड़ी सी दो तीन डेफिनेशंस और बताता हूँ जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, मैंने इनके फिगर नहीं बनाए लेकिन अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं। स्केलीन ट्रायंगल तो ये हो सकता है मेरा, जैसे मान लीजिए ये हो गया स्केलीन ट्रायंगल, इसमें तीनों ही डिफरेंट हैं। अगर मैं आइसोसेलस की बात करूँ तो इसमें दो साइड्स, जैसे इसमें कोई बराबर नहीं है लेकिन इसमें मेरी दो साइड्स बराबर होंगी, ये और ये बराबर हो सकती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड्स बराबर होंगे, यानी ये तीनों ही बराबर होंगी। अगर मैं एक्यूट की बात करूं तो एक्यूट ऐसा हो सकता है। ऑप्टिव्स की बात करूं तो जनरली ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाया जाता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये होता है एक 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसकी दो डेफिनेशंस और बताता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा, किसी भी ट्रायंगल में दो इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं, दो इम्पॉर्टेंट साइड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मीडियन और अल्टीट्यूड। मीडियन और अल्टीट्यूड को जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, क्या होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये केवल 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये किसी भी वन डे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब अगर हमारे पास एक सेट है, क्या 2, 3 और 5 का, तो हम अगर 2 और 3 को जोड़ें तो क्या 5 के बराबर है? हाँ बराबर है, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने लिया 3, 4 एंड 5, तो देखिए 3 और 4 का सम क्या हो गया 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, 3 और 5 का सम करें तो क्या आएगा 8, 8 इज ग्रेटर देन 4, और अगर मैं 4 और 5 का सम करूं
वो आएगा 9 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर देखिए दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा है, यानी ये एक ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल, इनमें से कौन सा नॉट पेयर एक कॉम्बिनेशन ऑफ द साइड्स हमारा एक ट्रायंगल बनाएगा, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मीडियन और अल्टीट्यूड। मीडियन क्या होता है पहले तो आप ये समझिए, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, आप पी से क्यू आर को ऐसे खींचिए लाइन कि क्यू आर मान लो ये टी है तो इसको दो बराबर भागों में बांट दे, यानी जितनी दूरी आर टी की है उतनी दूरी क्यू टी की रह जाए, तो ये जो पी टी है इसकी एक मीडियन कहलाएगी, यानी मीडियन इज ए साइड इन ए ट्राइंगल दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू टू इक्वल पार्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल क्या है दैट डजंट मैटर, इट मैटर्स दैट द साइड मस्ट बी इन द टू इक्वल पार्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, ये बात होती है मीडियन की। ये एक ट्रायंगल में तीन होती हैं और ये हमेशा इन साइड होती हैं, एक ये हो गई आपकी और ऐसे ही एक ये हो गई आपकी, ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर या सेंट्रोइड, सॉरी ये कहलाता है सेंट्रोइड, जी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, आगे की चीज़ें बाद में पढ़िएगा, लेकिन मैं इसको कह दूँ एस और इसको कह दूँ यू, तो पी टी आर एस और यू क्यू ये सब क्या है किसी भी किसी ट्रायंगल पी आर एस की मीडियन है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला आता है अल्टीट्यूड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंदर ही होंगी। अल्टीट्यूड क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, तो बेटा जो किसी भी एंगल का किसी भी ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपने एक 90 डिग्री ऐसे खींच दिया राइट एंगल, मान लीजिए ए है बी है ये सी है ये एम है, तो ए एम इस तरीके से आपने खींचा है कि ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी, वो डिवाइड कर रहे दो बराबर पार्ट में कि नहीं कर रहा, दैट डजंट मैटर, हमें इसको दो बराबर भाग में नहीं बांटना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री देखना है कहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाता है अल्टीट्यूड। ध्यान रखिएगा अल्टीट्यूड मे और मे नॉट लाई इनसाइड ए ट्रायंगल, अल्टीट्यूड ट्रायंगल में हो भी सकता है और ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मीडियन और अल्टीट्यूड हो गया, इसके आगे की डिटेल्स मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you.